हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का सीन क्या है कि मतलब कोविड-19 के केस यार हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा हो गए। ज़्यादा नहीं बोलेंगे यार, बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि अब भी आज समझ लो आज 28 तारीख है, आज 28 है और आज नहीं कल इलेक्शन है यहाँ का, तब जाके थोड़ा प्रचार रुका है, नहीं तो यहाँ पर डेली रैली और प्रचार हो रहा था। लेकिन अब जाके मतलब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि नहीं, अब रैली एकदम से ही बंद होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ कि अब भी पता नहीं क्यों, मतलब हमारे घर में भी जो मेंबर्स थे और बाकी जो हमारे टोले मोहल्ले में जो मेंबर्स थे, उनको पता नहीं क्यों एक फ्लू सा हो रहा है। मतलब सर्दी, जुकाम, खांसी सबको नॉर्मल सा बहुत लोगों को होने लगा है। और आपको ये बात भी बता दूँ कि अगर 15-20 मई से पहले आपको ऐसा कुछ होता है और हॉस्पिटल में जाते हो ये सोच के कि हम लोग का इलाज हो जाएगा, तो भैया आपको सीधा कोविड सेंटर ही भेजेंगे। और अभी तो ये बात तो आपने सुना ही होगा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी खल रही है हमारे देश में, ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए बहुत सारा मसला चल रहा है, जो कि आप न्यूज़ में देख ही सकते हो यार, ऑक्सीजन की कमी है। तो सिस्टम बन रहा है, गवर्नमेंट अपना सिस्टम बना रही है कि 15-20 मई तक वो इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो उससे पहले आप सतर्क रहो यार, अपने आप को थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा बाहर मत जाओ, कंट्रोल रखो। तो भाई देखो, मैं भी पहले मास्क वास्क नहीं लगा था, लेकिन अब बहुत बहुत बोलते ना, बहुत सेफ्टी रखने की कोशिश कर रहा हूँ मास्क यहाँ पे। और कल ही जाके हमने सैनिटाइज़र भी लेके आया, देखो एरा सैनिटाइज़र। मतलब किसी से हम लोग कुछ भी पेमेंट का लेन देन करते हैं, कुछ भी मतलब सामान देते हो, तो एक बार मैं स्प्रे मार लेता हूँ सैनिटाइज़र का। तो भाई अभी जो वैक्सीन है हमारे पास वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन का भी कुछ अभी इशू चल रहा है। तो भाई अपने आप को बहुत संभालो यार, इस समय बहुत ज़रूरत है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। दोस्तों हमारे गांव में जो यहाँ है दो स्कूल बना हुआ है, एक तो देखो यहाँ जो ब्राउन पट्टी वाली दिख रही है ये भी सरकारी स्कूल है, और जो ग्रीन पट्टी वाली दिख रही है ये भी सरकारी स्कूल है। तो जो हमारा पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था वो इस वाले स्कूल में हुआ था, क्योंकि ये पूरी तरीके से पैक है और सेफ़ है। तो इस बार भी इलेक्शन यहीं पर होगा। और दोस्तों कल यहाँ पर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया, यानी कि सब कुछ बंद रहेगा इलेक्शन की वजह से। तो यार देखो, कोविड के केसेस बढ़ गए, इसकी वजह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुनसान और सन्नाटा दिखाई दे रहा है। और जो थोड़े बहुत दिखेंगे भी आपको, वो मास्क के साथ ज़रूर दिखेंगे। दोस्तों एक गांव है, उसके बाद भी यहाँ पे हम बोलते हैं ना, इतनी सेफ्टी की जा रही है। तो भाई अगर आप सिटी में हो तो बहुत ज़्यादा आपको सेफ्टी की ज़रूरत है। कल हमारे गांव में वोट पड़ रहा था, और मुझे लगा नहीं था यार कि ये लोग मुझे वोट डालने का चांस दे रही है, लेकिन तुम्हारे आशीर्वाद की वजह से तुम्हारे भाई को भी वोट डालने का चांस मिला। तो दोस्तों कल मैंने भी अपना एक महत्वपूर्ण वोट डाला है। तो दोस्तों सीन क्या हुआ ना कि हर साल क्या होता था कि वोटिंग कार्ड मिलता था, जैसे समझ लो 5 साल बाद इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने को जब 1 या 2 महीना रह जाता है तो मतलब जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं ये आते हैं और आपका लिस्ट वेरीफाई करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। और लिस्ट उनके पास पहले से होता है कि पिछले बार कौन वोट दिया था, इस साल कौन देगा, किसका वोट कटेगा, कौन मर गया वगैरह वगैरह, वो लोग मतलब लिस्ट एक बार वेरीफाई करते हैं। तो उसी के आधार पर आपको एक वोटिंग कार्ड बना के देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं मिला हमको। और प्रूफ तो लेके गए थे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब ये लोग वेरीफाई करके मुझे चांस देंगे, क्योंकि मैं इससे पहले मुंबई में ही रहता था, ये तो अभी लॉकडाउन में। तो दोस्तों लिस्ट में नाम तो आ गया था मेरा, लेकिन फिर भी मुझे डाउट था। तो जब मैं गया उनके पास कि मैं दे सकता हूँ कि नहीं, तो लोगों ने लिस्ट में से मेरा नाम देखा। तो नाम देखने के बाद एक नंबर दिया, मतलब एक पावती पे लिख के सब कुछ डिटेल भर दिया मेरा। और जब 2-3 घंटे जब मैं लाइन में खड़ा हुआ, उसके बाद भाई जाके मेरे को पोलिंग बूथ के अंदर जाने का चांस मिला, और पहली बार मैं ऐसा माहौल देखा वोट देने का। तो वहाँ पे जब जाओगे दोस्तों आप वो पावती लेके, तो वो लोग नंबर देखेंगे और लिस्ट में आपका नाम सर्च करेंगे। गाँव में रहोगे भाई तो ये सब आवाज़ तो आना आम बात है। तो
तो जब नंबर देखेंगे वो लोग तो वहाँ से आपका नाम काट देंगे, और नाम काटने के बाद आपको तीन पावती देंगे, एक BDC का होगा, एक प्रधानी का होगा, एक जिला अधिकारी का होगा। तो दो तीनों देने के बाद आपके हाथ में इंक लगा देंगे। इंक लगाने के बाद आप जाओ अपने हिसाब से जिसको आपको देना है उसके सिम्बॉल पर मोहर मार दो चुनाव का, उसके बाद आप बैलेट बॉक्स में डालो। तो यार फाइनली मैंने वोट दिया, मुझे देखे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार दिया है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और आपने वोट डाला है कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर आएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।